ज्वालेश्वर, कोटेश्वर, लोधेश्वर इन तीनों की बराबर दूरी है। इन तीनों का जो भूभाग से देखने पर त्रिभुज की आकृति बनती है, जो कि भगवान शिव के तीनों नेत्रों के रूप में विद्यमान यह त्रिकुट पर्वत की श्रेणी कहलाती है। माँ नर्मदा की बगिया है, यहाँ परिक्रमासनों का पूजन होता है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बुलहार। कल मौसम खराब होने की वजह से मैं यहीं रुक गया था। अभी तकरीबन यहाँ से अमरकंटक बचा हुआ है 80 किलोमीटर, तो 2 घंटे का रन है। और अभी 20 से 30 किलोमीटर के रन में तकरीबन काफ़ी घना जंगल आने वाला है, जो राजेंद्र ग्राम से होते हुए जाएगा और वहाँ से ही लग जाएगा मैकाल पर्वत। तो अभी सुबह के 9 बजे हैं और मैं अभी निकल गया हूँ, तकरीबन 2 घंटे में पहुँच जाऊँगा और वहाँ जाके आज का पूरा दिन एक्सपेंड करना है अमरकंटक में। और अभी यहाँ से निकल रहे हैं। अब यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर तक पूरा घना जंगल है और खड़ी चढ़ाई है, तो ये राजेंद्र ग्राम होते हुए हम अमरकंटक जाएंगे। तो यार हम लगभग अमरकंटक पहुँचने में ही हैं, तकरीबन यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर दूर है। और जो पहला स्थान पड़ता है वो है ज्वालेश्वर महादेव। ये अमरकंटक की तीसरी प्रमुख नदी है, जो है जोहिला नदी। और ये आप देख सकते हो जोहिला नदी का उद्गम स्थल, इसी कुंड से होते हुए अब जोहिला नदी आगे की ओर बढ़ती है। वहाँ से देखने पे एक शिव पिंडी की आकृति, तो बाबा की जो वेदना का निवारण इसी मैकल पर्वत पे होगा, तो बाबा भी बड़े अचंभे में हो गए कि ये कैसे संभव हो सकता है। मेरे हिमखंड पर्वत कैलाश पर्वत पे जो शांति नहीं मिली, पूरे ब्रह्मांड में कहीं शांति नहीं मिली, इस पर्वत पर ऐसी क्या विशेषता है जो मेरी इतनी भयंकर वेदना शांत हो गई। ज्वालेश्वर, कोटेश्वर, लोधेश्वर इन तीनों की बराबर दूरी है। इन तीनों का जो भूभाग से देखने पर त्रिभुज की आकृति बनती है, जो कि भगवान शिव के तीनों नेत्रों के रूप में विद्यमान यह त्रिकुट पर्वत की श्रेणी कहलाती है। तीनों स्वयंभू है, तीनों उप ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों के बाद जो धरती पर विराजमान 108 जो उप ज्योतिर्लिंग है, यह उनमें से है सभी, है ना। और यहाँ दर्शन मात्र से चार धाम का पुण्य फल प्राप्त होता है। विशेष महत्व है कि जो लोग चार धाम यात्रा करके जिस पुण्य की प्राप्ति करते हैं, हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है। बिल्कुल, अगर महादेव ज्वालेश्वर महादेव के दर्शन मात्र भी करते हैं, उसको वही पुण्य प्राप्त होता है जो चार धाम यात्रा से होता है। दूसरा ये कि जो नर्मदा मैया के उद्गम कुंड का जल ला करके बाबा पर अर्पित करने से वही पुण्य प्राप्त होता है, जो गंगोत्री के जल को रामेश्वर में चढ़ाने से जो पुण्य प्राप्त होते हैं, वही पुण्य फल नर्मदा मैया के जल को यहाँ पर ला करके अर्पित करने से प्राप्त होता है। जोहिला नदी का उल्लेख कुर्म पुराण में मिलता है। यहाँ पर गया जी के जितना ही तीर्थ का महत्व है, जैसे गया जी में श्राद्ध तर्पण पिंडादि करते हैं, वैसे यहाँ भी श्राद्ध पक्ष में पितृपक्ष और पितृ अमावस्या के दिन यहाँ पर श्राद्ध, स्नान, ध्यान, जप, तर्पण, पिंडदान, हवन आदि कृत्य अगर कोई करता है तो आत्मा को जो है सदगति प्राप्त होती है और पितर जो है 10,000 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। कुर्म पुराण का उल्लेख है। इसका प्राचीन पौराणिक नाम है ज्योतिरथा। महाभारत के अंदर भीष्म सर्ग में इसका उल्लेख मिलता है, जहाँ पर भीष्म पितामह है और युधिष्ठिर का संवाद, जिसमें तीर्थों का उल्लेख है। जो मैकल पर्वत के जो उल्लेख आते हैं उनमें इस नदी का उल्लेख किया गया है ज्योतिरथा के नाम से। ज्योतिरथा के नाम से यह नदी है, ज्योतिरथा। हाँ, इस नदी का पूरा दायरा 175 किलोमीटर है। उत्पत्ति महादेव की पिंडी के नीचे से है। ये ज्वाला थी जो जल में परिवर्तन होकर के इस महादेव के जो शिव पिंडी है इसको शांत करके वे जल के रूप में बह रही है। ये कुंड में प्रथम दर्शन होता है। 200 मीटर ये अंडरग्राउंड जमीन के अंदर चल रही है, उसके बाद ये नदी अपनी वास्तविक धारा के रूप में प्रवाह होती है। पौड़ की उमर गुहान, राजेंद्र ग्राम, सहडोल ऐसे होते हुए चलती है। लास्ट इस नदी का उमरिया जिले के अंदर कैलहारी दशरथ घाट के अंदर ये नदी सोन में मिलती है और फिर सोन की सहायक नदी के रूप में आगे बढ़ती है। सोन बिहार के अंदर पटना में माता गंगा जी में मिलता है, फिर गंगा सागर होते हुए लास्ट बंगाल की खाड़ी में जाते हैं। मैकल पर्वत पर 3 नदियाँ हैं, 8 धाराएँ हैं। नदियाँ 3 हैं लेकिन तीनों 3 दिशाओं में प्रवाह होती है। सोनभद्र जो कि पूर्व दिशा में प्रवाह होते हैं, 750 किलोमीटर का पूरा दायरा है। जोहिला जो है ये उत्तर में प्रवाह होती है जोहिला, और सोन में जाके मिलती है नर्मदा मैया। और एक ऐसी और नदी है, दो नदियाँ हैं जो पश्चिम में प्रवाह होती है, अरब सागर में जाती है गुजरात के अंदर। और बाकी शब्दों के माध्यम से ऐसे उल्लेख नहीं कर पाएंगे, बहुत ऐसे उल्लेख हैं जो जी। माँ नर्मदा जी की सहेली भी रही है? नहीं, ये गलत है। तो मैं आपको बताना हाँ। चाहता हूँ विशेष रूप से इस कहानी का कि जो लोग, मैं सभी से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि जो कहानी अमरकंटक में जितने भी यात्रीगण आते हैं उनको सुनाई जाती है, ये शास्त्रोक्त नहीं है, पुराणोक्त नहीं है। ये एक दंत कथा है जिसका प्रचलन है। अमरकंटक जो भी पिकनिक और पर्यटन की दृष्टि से घूमने आते हैं
उनको जो गाइड लोग उसी कहानी के माध्यम से अमरकंटक भ्रमण करवाते हैं। माता नर्मदा जी के इस शादी का प्रसंग किसी भी शास्त्र पुराण में नहीं है। सोन के साथ शादी का प्रसंग किसी भी शास्त्रों पुराणों पे इस कहानी का उल्लेख नहीं है। लोग बताते हैं कि नर्मदा पुराण में इसका उल्लेख है। नर्मदा पुराण क्या है? अलग से कोई पुराण नहीं है। नर्मदा पुराण स्कंद पुराण के रेखाखंड यानी रेवाखंड का एक संस्कृत कृति है। उसमें भी इस कहानी का उल्लेख नहीं है। शादी के उल्लेख आता है, लेकिन एक दूसरा उल्लेख है, पुरुकुत्सु के साथ शादी के प्रसंग का उल्लेख आता है। यह शादी का प्रसंग का उल्लेख किसी भी पुराण में किसी भी शास्त्र में नहीं है। अच्छा, फिर ये जो है एक दंत कथा है। हाँ, सुनाते हैं प्रचलन के रूप में है, सुनाते हैं उस कहानी को, लेकिन ये गलत तथ्य बताए जाते हैं कि ये कई लोग बोलते हैं दासी है, कई बोलते हैं ये ऐसी है, किसी ने बोला ये छल किया है। हाँ। ये कहानियों में शास्त्रों और पुराणों में नहीं। महादेव की पुत्रियां हैं, ये भगवान शिव की जंघा से ज्वाला जो थी इसको शांत करने के लिए जल में परिवर्तन होकर के जल के रूप में बह रही है। जोहिला प्राचीन नाम मैंने बताया जिसका ज्योतिरथा है। उल्लेख इसका महत्व इतना है कि जैसे गया जी की जितना महत्व है जितना ही महत्व इसका है जी। तो वो कहानी जो है दंत कथा है, और बाकी उल्लेख शास्त्रों में पुराणों में आप पढ़ेंगे तो तो ये हमने ज्वालेश्वर महादेव स्वयं शंभू की महिमा जानी, और श्री पंडित जी के मुख से भी सुना कि कैसे ज्वालेश्वर और जोहिला नदी का उद्गम हुआ। अब इसके बाद दो रमणीय स्थान और हैं। वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में उनको कवर कर चुका हूँ, जो है कपिल धारा और दूध धारा। बट अभी मैं बाइक से वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं जाऊँगा तो नर्मदा जी क्रॉस हो जाएंगे और मुझे वो करना नहीं है। इसलिए मैं सीधा जैन मंदिर होते हुए माई की बगिया जाऊँगा, वहाँ पूजन करके फिर हम वापस से दक्षिण तट में आ जाएंगे, वहाँ चलते हैं। और बाकी के जो वीडियो हैं मेरे कपिल धारा और दूध धारा के, मैं ऊपर स्क्रीन पर कहीं मैंशन कर दूँगा तो आप वो देख सकते हैं। तो जलेश्वर होते हुए मैं फाइनली पहुंच गया हूं अमरकंटक तपोभूमि, और ये जो सामने आप देख रहे हो इधर है कुंड, नर्मदा कुंड। हमको उधर नहीं जाना है, हमको इस रास्ते से होते हुए माई की बगिया जाना है सर्वप्रथम। वहां पूजन होगा और वहीं पे जल चढ़ा के हमें पूजन करके सोनमुड़ा होते हुए वापस कुंड में आना है। तो मैं सारा रूट आपको बताऊंगा, बट बहुत से लोग यहाँ से गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी रास्ता है माई की बगिया का और सामने पुल है, तो वहाँ पे नर्मदा जी क्रॉस हो जाती हैं। लेकिन फिलहाल अभी परिक्रमा मार्ग में हूँ, तो इस रोड से होते हुए सीधा माई की बगिया निकलते हैं। तो यार ये इस तरह का रास्ता है माई की बगिया के लिए, और ये देखो ये परिक्रमावासी पैदल अब ये माई की बगिया जा रहे हैं और हम भी बाइक से जा रहे हैं। नर्मदे यार, ये रास्ता है पूरा जंगलों के बीच से, दोनों तरफ जंगल हैं, और सीधा हम पहुंचते हैं माई की बगिया। तो वहाँ पूजा अनुष्ठान करने के बाद फिर हम आते हैं सोनमुड़ा होते हुए। यहाँ मैंने बाइक पार्क कर दी क्योंकि इसके आगे अब गाड़ी जाएगी नहीं, और जस्ट सामने है माई की बगिया, जहाँ से माना जाता है दक्षिण तट से माता का उद्गम हुआ है। तो हमें यहाँ पर आचमन और स्नान करना होगा, माई की बगिया में पूजन अनुष्ठान करना होगा, और इसके बाद हम सोनमुड़ा के दर्शन करते हुए जो नर्मदा कुंड है अभी शाम को 4 बजे ओपन होगा उसके दर्शन करेंगे। नमामि देवी नर्मदे। और यहाँ पे देखिए ये है कुंड माई की बगिया में, और सारे परिक्रमावासी यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए अब यहाँ पूजा अनुष्ठान करेंगे और यहाँ से फिर आगे चलेंगे। ये है प्रसिद्ध स्थल माई की बगिया, यहाँ विराजमान है माँ नर्मदा। नर्मदे यार, माँ नर्मदा की बगिया है, यहाँ परिक्रमावासियों का पूजन होता है और माँ नर्मदा का जल परिवर्तन यहाँ होता, तट परिवर्तन होता है। यहाँ पर माँ नर्मदा के 5 कुंड बने हैं। पहला कुंड चढ़ने कुंड है, दूसरा कुंड तट परिवर्तन कुंड, तीसरा कुंड शिव कुंड, चौथा कुंड आम कुंड, पांचवा स्नान कुंड। इसके बाद माँ नर्मदा की धारा 1.5-2 किलोमीटर गुप्त हो जाती है। उसके बाद मेन कुंड में पूरी धारा समाहित होकर उसके बाद पुनः कपिल धारा, दूध धारा, पंच धारा, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, भेड़ाघाट, तलवाराघाट, लमेटा घाट, झांसी घाट, पतई घाट, ओंकारेश्वर, ममलेश्वर, भड़ोच होते हुए माँ खम्भाट की खाड़ी पे मिलती है। माँ नर्मदा ही दुनिया की एकमात्र नदी पूरब से पश्चिम बहती है। मेरी पूजा और अनुष्ठान की विधि जो अमरकंटक में थी वो संपूर्ण हो चुकी है, और अब यहाँ से मुझे जो मुख्य मंदिर है वहाँ से निकलती हैं, तो वो दर्शन करेंगे, उसके बाद सीधा हम फिर दक्षिण तट पे आ गए। तो आज जो नाइट स्टे है वो यहीं करूँगा,
देखता हूँ दक्षिण तट पे कोई आश्रम है या नहीं है, क्योंकि मोस्टली सारे आश्रम उत्तर तट की ओर हैं। और जो मेरी बाइक थी वो उधर छोड़ी थी मैंने, बाकी यहाँ कुछ लोकल लोग मिल जाते हैं जो यहाँ से अब घुमा के ला के आपको इस तरफ दे देंगे, क्योंकि अब हम उस तरफ नहीं जा सकते। तो मेरी बाइक मैंने किसी से रिक्वेस्ट की, वो इधर ला के दे देंगे मुझे। तो काफ़ी अच्छा था यार ये, और बहुत से परिक्रमावासी आते हैं। अभी मेरी आधी से ज़्यादा यात्रा सफल हो चुकी है, अब सीधा ओंकारेश्वर की जर्नी बची है, दक्षिण तट की यात्रा जो कि लगभग 1500 किलोमीटर और होगा। तो सारे जगह के दर्शन करने के बाद अभी मुख्य मंदिर के पट भी खुल गए हैं, तो सबसे पहले यहाँ दर्शन करते हैं माई के और मेन मंदिर आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा, ये देखिए सामने लिखा हुआ है परिक्रमावासी दक्षिण तट द्वार, और ये मंदिर है। सबसे पहले हम प्रदक्षिणा करके दक्षिण तट से परिक्रमा उठा के सीधा माई के दर्शन करके निकलते हैं यहाँ से, और यही है मेन मुख्य रेवा संगम दक्षिण तट। तो ये देखो हम दक्षिण तट पे हैं, और ये जो पीली लाइन दिख रही है आपको ये बताती है कि मैया यहाँ से निकली हैं। तो ये है मैया का दक्षिण तट, दक्षिण किनारा, और सामने आप देख रहे हो उद्गम कुंड। अब बस हम यहीं से इसको क्रॉस नहीं करेंगे मैया को, और वहीं पे लिखा हुआ है दक्षिण तट और उत्तर तट, तो वही परिक्रमा मार्ग लेके हम दक्षिण तट के गेट से वापस इधर से निकल जाएंगे। तो दर्शन हो गए हैं और सीधा हम यहाँ से एग्ज़िट करते हैं। तो ये दक्षिण तट में डैम के पास ही, इसको बोलते हैं पुष्कर डैम, और ये है अन्य क्षेत्र, और यहाँ पे परिक्रमा वासियों की रुकने की व्यवस्था भी है। तो आज रात अमरकंटक में यहीं विश्राम करते हैं, यहीं अन्य क्षेत्र भी है तो यहाँ रुकेंगे, और कल सुबह यहाँ से फिर हम सीधे निकलते हैं कबीर चबूतरा, करंजिया, डिंडौरी होते हुए। आज 12वें दिन का हॉल्ट यहीं बिताते हैं।